हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉयज अनएक्सप्लोर्ड। आज है दिवाली से पहले वाला दिन और हम मार्केट गए थे। मार्केट में आपने तो देखा ही कि कितना कलरफुल लग रहा है शॉप सब। तो दियाज हम खरीद के लेके आए हैं, उसको अभी मैं भिगा के रख रही हूँ ताकि मैं उन्हें कल जला सकूँ। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इज फाइनली अराइव्ड गाइस। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली का त्यौहार मुझे बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस टाइम में हम अपने घरों को सजाते हैं लाइट्स से, अलग अलग तरह के डिज़ाइनर लाइट्स एंड लैंटर्न से, राइस लाइट्स, टी लाइट्स और फेरी लाइट्स से, दियाज जलाकर भी। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, चारों तरफ एकदम जगमगा जाता है। तो ये जो राइस लाइट्स है, ये दो दिन पहले ही मेरे यहाँ पे लग गए थे, आज ये आए हैं थोड़ा सा चेक करने, क्योंकि एक दो लाइट्स नहीं जल रहे हैं। और सुबह सुबह अभी मैं नहा के मेरा जो पूजा है वो करने वाली हूँ। मेरे लड्डू जी और बाल राधा रानी को आज नहला के मैं उलन क्लोथ्स पहना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे विंटर ऑलमोस्ट आ ही गया है। शाम के टाइम में ठंड लगता है बाहर, तो आज ही मैं इन्हें नहला के जो उलन क्लोथ्स है उनके वो पहना के उनका श्रृंगार कर रही हूँ। दिवाली के टाइम में हर बार मैं मेरी एंट्री वे या फिर बरामदे में एक सेटअप करती हूँ लाइट्स वगैरह लगा के फ्लावर्स से, और वहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी को बिठा के जो रंगोली है वो करती हूँ। तो इस बार भी ये सेटअप मैं यहीं पे करने वाली हूँ। तो यहाँ के जो चेयर्स वगैरह है उसको हटा के मैं अच्छे से इस जगह को क्लीन करके ऊपर में मैंने लाइट्स भी लगा दिए हैं। इसके बारे में मैंने लास्ट हॉल वीडियो में आप लोग के साथ शेयर भी किया था, काफ़ी सुंदर लगता है। ओम और स्वास्तिक वाला डिज़ाइन बना हुआ है इसमें, और आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन्स लगा दिया है, एक टूल बिछाया है, और ये जो प्लेट आप देख रहे हैं उस दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसको रंग कियान ने ही किया है। और इस तरह से अलग अलग प्लेट्स, टी लाइट होल्डर्स देके, टी लाइट्स देके मैं इस एरिया को सजा रही हूँ। और यहाँ पे मैं लक्ष्मी गणेश जी को बिठाने वाली हूँ, तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड लीव्स से इस जगह को मैं डेकोरेट कर रही हूँ, क्योंकि अगर फ्रेश फ्लावर्स यूज़ करती हूँ तो एक दिन में ही ये मुरझा जाएंगे, और इस एरिया को एक अच्छा सा लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जो बहुत ही सुंदर सा लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, ये इसी बार मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया है, क्योंकि लक्ष्मी और गणेश जी की जो मूर्ति मेरे मंदिर में है, पूजा मंदिर में, उनको मैं यहाँ पे लाके नहीं बिठा सकती, उनको मैं अपने मंदिर में ही पूजा करती हूँ। तो इसीलिए इस सेटअप के लिए मैंने ये वाला एक फिगरिन लिया है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और नीचे मैं यहाँ पे जो रंगोली स्टेंसिल मैंने लिया था लास्ट हॉल वीडियो में, मैंने सारी ही चीज़ें आपके साथ शेयर भी किया था, और लिंक्स भी मैंने दे दिया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो उसी स्टेंसिल को यूज़ करके यहाँ पे एक रंगोली मैं करने वाली हूँ। लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी माँ, ये वाला रंगोली स्टेंसिल मैंने मीशो से लिया है, आपके साथ शेयर भी किया था, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा मुझे। इस तरह के कट्स एंड अलग अलग डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स में ये मिल जाते हैं। तो और रंगोली इसमें बस फिल करना होता है, अलग अलग कलर्स के रंगोली भी मैंने मंगा लिए थे,
ऐसे बॉटल्स में, तो इनको फिल करना बहुत ही ज़्यादा इजी हुआ और बहुत ही सुंदर ईजीली मैस फ्री तरीके से आप रंगोली बना सकते हो। अगर आप रंगोली में इतना ज़्यादा प्रो नहीं हो मेरी तरह और रंगोली अच्छे से आप नहीं बना सकते, तो इस तरह के जो स्टेंसिल से आप यूज़ कर सकते हो। और ये मूवेबल है, आप इन्हें कहीं पे भी रख के बना के कहीं पे भी मूव करके ले जाके प्लेस करके रख सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको इस तरह की रंगोली बनानी है तो आप इस तरह के जो स्टेंसिल्स होते हैं या फिर मैट्स होते हैं, रंगोली मैट्स, उन्हें परचेस कर सकते हो ऑनलाइन। जो दियाज मैंने भिगा के रखा था उनको अभी मैं यहाँ पे बाहर सुखा रही हूँ दिन में ही, ताकि शाम के टाइम में मैं इन्हें जला सकूँ। और शाम को जलाने के बाद ये कैसा लगता है आपके साथ शेयर करूँगी इसी ब्लॉग में। और जो सेटअप मैंने किया है दियाज एंड कैंडल्स जलाने के बाद कैसे दिख रहे हैं वो भी शेयर करूँगी। थोड़े से क्रैकर्स जलाए जो कि लास्ट ईयर के ही थे, क्योंकि असम में इस बार अलाउड है क्रैकर्स जलाना। और फिर हम गए डिगबॉय के तरफ पूजा देखने के लिए। सबसे पहले हम गुलाई के काली मंदिर गए, वहाँ पे हमने दिया धूप सब जलाया और फिर हम डिगबॉय गए पूजा देखने के लिए। और जाते जाते रास्ते में दोनों साइड्स में सभी के घरों में जो लाइट्स लगे हुए है, पूरा रास्ता जगमगा रहा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था।
निकल के हम डिग बॉय के मातृ संघ आए हैं। वो लोग यहाँ पे गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट है, पंडाल बहुत ही खूबसूरत है और माता की मूर्ति भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। सो गाइज, हमारा जो दिवाली ब्लॉग है वो यहीं पे एंड होता है। आई होप आज का ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।